हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ कढ़ी बनाने का तरीका। तो हमारे यूपी और मंसूरी में जिस तरह से कढ़ी को बनाया जाता है, तो दोनों को मिक्स करके फ्लेवर बनाने वाली हूँ। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने एक कढ़ाई में 5 से 6 बड़े चम्मच ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये हमने लिया है बेसन, जिसको हमने आधा घंटा पहले ही फुलाकर रख दिया था, जिससे हमारी जो पकौड़ी है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी। तो इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ नमक और बेसन और पानी से घोल दिया है इसको और आधा घंटा फुलाकर रखा है। और इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, इसकी छोटी छोटी हम पकौड़ी बना लेंगे। तो इस तरह से हम सारी पकौड़ियाँ बना लेंगे। अगर आप वेजिटेबल्स वाली कढ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसकी जगह वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। और ये देखिए, हमारी यहाँ पकौड़ी रेडी हैं। तो इस तरह हम इसको निकाल कर बाकी की बची हुई भी बना लेंगे। यहाँ हमने सारी पकौड़ियाँ बना ली हैं और अब इसका जो एक्स्ट्रा तेल है तो इसको हम निकाल लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हींग और ये आधा चम्मच खड़ी मेथी और ये 2 कटे लाल मिर्च और ये करी पत्ता और इसको हल्का सा पका लेंगे। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने सूखा मसाला ही ऐड किया है। तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच पीसी लाल मिर्च पाउडर और ये आधा चम्मच सब्जी मसाला और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे तो और इसको पकने देंगे। और अगर आप सूखे मसाले नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप मसालों को 5 मिनट के लिए पहले से फुला कर रख दीजिए। और इधर जब तक मसाले पक रहे हैं तब तक हम ये लेंगे दही और इसको हल्का सा मथानी से मथ लेंगे। तो ये हमारा मथानी से दही मथ गया है। और ये हमारा जो बचा हुआ बेसन था पकौड़ी का, उसमें हम 1 चम्मच बेसन और ऐड कर लिए हैं और इसमें दही डाल के इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो इसका एक पतला घोल हमने तैयार कर लिया है। और इधर हमारे ये मसाले भी पक के रेडी हैं। और अब हम इसमें जो हमने बेसन का घोल बनाया था उसको ऐड कर देंगे और साथ में ये दही या छाछ ऐड कर देंगे। और इसमें 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे क्योंकि अभी ये पकते पकते आधा हो जाएगा और ये कढ़ी जो है हमारी गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपको पतली कढ़ी करना है तो इसके अकॉर्डिंग पानी और ज़्यादा कर दीजिए। और इसको इस तरह कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे ये जो हमारा बेसन है वो कढ़ाई में नीचे की ओर चिपके ना और इसमें उबाल जल्दी आ जाए। जैसे ही उबाल आ जाएगी तो हम इसको चलाना बंद कर देंगे। और अभी हमने इसमें नमक नहीं ऐड किया है, तो नमक हम आगे बताएंगे कि कब ऐड करना है। कि नमक पहले डालने से कढ़ी में उफाल आने लगता है और वो बर्तन से नीचे गिरने लगती है। कभी भी अगर कढ़ी में उफाल आने लगे और वो बर्तन से नीचे गिरने लगे तो उसमें ठंडा पानी ऐड कर देंगे तो उफाल बंद हो जाएगा। और इसको इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहिए। जैसे ही कढ़ी पकने लगेगी तो हम इसको चलाना बंद कर देंगे और इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, कढ़ी में यहाँ हल्की उबाल भी आने लगी है और ये पकने लगी है। तो अब हम इसको चलाना बंद कर देंगे और अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो नमक हम यहाँ स्वाद अनुसार ऐड करेंगे क्योंकि अभी हमने एक ही बार इसमें नमक नहीं ऐड किया है। और अब हम इसमें साथ में पकौड़ियाँ भी ऐड कर देंगे और इसको धीमी धीमी आँच लगभग 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। तो पकने के बाद ही देखिएगा इसकी जो क्वांटिटी है वो हल्की कम हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ कढ़ी पक गई है और ये पहले से इसकी क्वांटिटी भी है वो कम हो गई है। तो अब हम यहाँ गैस को ऑफ कर देंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ हमने लिया है एक पैन और उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल गर्म कर लेंगे। तो यहाँ ऑयल गर्म हो गया है और अब हम इसमें 1/2 चम्मच हींग ऐड कर देंगे और साथ में ये करी पत्ते और ये 2 इस तरह से कटी हुई प्याज और इसको ब्राउन होने तक पका लेंगे।
तो ये प्याज जो है वो हल्का कलर चेंज हो गया है। और अब हम इसमें दो बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और इसमें हल्का सा नमक ऐड कर देंगे, तो जिससे ये टमाटर हैं जो वो जल्दी पक जाएंगे। और ये हल्का सा पीसी लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, और इसको पका लेंगे। तो यहाँ प्याज और टमाटर अब हमारे पक गए हैं और अब हम इसमें कढ़ी ऐड कर देंगे। तो हम इसमें उतनी ही कढ़ी ऐड करेंगे जितना एक बार में यूज हो जाएगा। और अब हम इसमें राइस पुलाव ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने उतना ही ऐड किया जितना हम एक बार में सर्व कर सकते हैं। और अब हम इसमें एक क्यूब्स बटर ऐड कर देंगे। तो आप बटर अपने अकॉर्डिंग कम या और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये कढ़ी और पुलाव को सर्व करने का बहुत ही यूनिक तरीका है। हम अक्सर कढ़ी या चावल ही खाते हैं, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अलग टेस्ट है और ये सबको बहुत पसंद आएगा। तो अब हम चलते हैं इसको सर्व करने। तो एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसको ये कढ़ी और पुलाव पसंद भी नहीं होगा उसको ये ज़रूर पसंद आएगा। अब सर्व करते टाइम हम यहाँ एक क्यूब्स बटर ऐड कर देंगे और ये सिरका वाली प्याज। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।